अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए काउंटिंग जारी है। अब तक कुल 11 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। आपको बता दें कि 11वें राउंड के बाद कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह आगे चल रहे हैं। करीब 6,500 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह आगे चल रहे हैं और ये आपको बता दें कि कुल 10 राउंड में होगी वोटों की गिनती। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आप तक साझा कर दे। लगातार जो अभी रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं और जो तरीके से हमने अगर सुबह देखा था, सुबह की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहे थे। तो देखिए अब तक कुल 11 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 11वें राउंड के बाद कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह आगे चल रहे हैं। करीब 6,500 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कुल 20 राउंड में वोटों की गिनती होगी और परिणाम सबके सामने निकलकर सामने आ जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के हमारे साथ अमरवाड़ा से महेश जुड़ चुके हैं। महेश, फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? सुबह जिस तरीके से हमने देखा था भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस बढ़त बनाते हुए आगे निकल गई है। अमरवाड़ा से जो है उपचुनाव के वोटों की गिनती अभी आज जारी है और 12 राउंड के बाद स्थिति बारहवें राउंड में थोड़ा सा कम्प्लेक्स आने का और लगातार ऐसा महसूस हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा कवर करने की स्थिति उनकी बन रही है। परंतु फिर भी आज की अभी स्थिति, वर्तमान स्थिति में जो है वो 6,000 वोटों से लगभग कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह बीजेपी के कांग्रेस शाह से आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका भी हो सकता है और लगातार जिस तरह से बढ़त अभी तक बनाए हुए हैं, शुरू में कांग्रेस शाह आगे चल रहे थे परंतु अभी बीजेपी के जो पीछे हो गए हैं बीजेपी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए भी खुशी का माहौल है यहाँ पर और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी दुखद खबर भी हो सकती है कि डॉक्टर मोहन यादव ने लगातार जितने प्रयास यहाँ किए थे, अब कमलेश शाह की स्थिति को पिछड़ते हुए देखने के बाद में कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल महेश, लगातार कांग्रेस प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं और देखना होगा कि आखिरकार क्या कांग्रेस प्रत्याशी यानी कि जो पूरी कांग्रेस है किस तरह से अमरवाड़ा की सीट को बचाती हुई नजर आती। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। बात करेंगे बड़वानी की। बड़वानी से बड़ी जानकारी, शॉर्ट सर्किट से चल